मैंने जियाउल हक साहब से कहा था, क्योंकि उनकी शूरा में शमूलियत की मैंने जो है दावत कबूल कर ली थी, मशवरा देना है। मैं अपने मस्जिद के मेंबर से भी मशवरे भी देता हूँ, तनकीदें भी करता हूँ। मैंने उनसे कहा आपने PIA को ड्राई कर दिया, शराब बंद कर दी, अच्छा काम किया, बहुत उमदा किया। दुनिया तो यही कहेगी ना कि दखिया रूसी है, चलिए बर्दाश्त कर। लेकिन ये एयर होस्टेसेस जो जाती हैं क्रू के साथ और दो दो हफ्ते बाहर रहती हैं, ये कौन से इस्लाम की रूह से जायज है? औरत महरम के बगैर हज को नहीं जा सकती, महरम के बगैर उम्रे के लिए नहीं जा सकती, और ये कानून था पाकिस्तान। मैंने कहा आप औरत को नहीं जाने देते हज के लिए, हालांकि वो अधेड़ उम्र की होती है, अमूमन बूढ़ी होती है। हमारे यहां जवानी में कौन करता है हज? बहुत शास। ये तो आपको नजर आएगा जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां से जवान जोड़े, निकाह के बाद पहला काम हज। हमारे यहां से तो बुढ़े ठेड़े गए हुए होते, और पहले जमाने में तो उनको रुख्सत कर देते थे कि बस रुख्सत ही हो जाएगी, ये वापस नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ये कौन सा इस्लाम है? खामोश, चुप। मैंने कहा ये नाश्ते की ट्रे और खाने की ट्रे मर्द नहीं रख सकते साहब। मेरे खिलाफ बाकायदा खवातीन ने जुलूस निकाले पाकिस्तान में, जब मैंने पर्दे की बात की। गवर्नर सिंध की बीवी जो है उसने लीड किया जुलूस, मुतालबा किया कि इनकी टेलीविजन के ऊपर जो है इनका सामने आना बंद किया जाए। ठीक है, बदा अल इस्लाम गरीबन व यसऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम शुरू हुआ था तो इसी हालत में था कि कोई उसको जानता पहचानता नहीं था, फिर जब इस्लाम गालिब हो गया तो ताकतवर के तो सभी दोस्त थे, सभी पहचानने वाले, लेकिन अनकरीब इस्लाम फिर गरीब हो जाएगा। तो जो इस्लाम की गुर्बत के साथ खुद गरीब हो जाए उनके लिए मुबारकबाद। इस्लाम का दामन न छोड़े चाहे उन्हें कहा जाए कि ये तो बड़े ही तकिया मुसी लोग हैं, बड़े कट्टर लोग हैं। मैंने उस जमाने में चैलेंज किया था, मुझे बताओ क्या फर्क वाकई होता है। आप कहेंगे औरतों को अगर हम घर में बिठाएं तो हमारी इकोनॉमी सफर करेगी, आधी हमारी जो है लेबर वो काम नहीं करेगी। मैंने कहा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कॉटेज इंडस्ट्री का इंतजाम करो, नंबर एक, घरों में बैठकर काम करें। दूसरे जंग अजीम के दौरान एक बड़ा इलाका था दिल्ली में जिसका हर घर कारखाना बना हुआ था, करखंदार, ये एक कौम का नाम पड़ गया करखंदार। छोटी छोटी मशीनें लगी, कहीं बटन बन रहे हैं, कहीं बक्सुए बन रहे हैं, कहीं निकरें सिल रही हैं, कहीं पैंटें सिल रही हैं, कहीं जो है कुर्ते सिल रहे हैं, कमीजें। सुबह के वक्त ट्रक आया, खाम माल दे गया, शाम को आया तैयार माल ले गया। औरत न घर से निकली न बाहर गई, कुछ नहीं, और काम किया, कमा लिया। कॉटेज इंडस्ट्री का इंतजाम करो। इसी तरीके से ऐसे यूनिट बनाओ इंडस्ट्रियल जिसमें औरतें काम करें, औरतें सुपरवाइज करें, वर्किंग आवर्स कम रखो ताकि वो अपने घर का काम भी कर सके। करो, औरतों के अस्पताल में औरतें मर्द, औरतें मरीज, औरतें डॉक्टर, औरतें मरीज, औरतें नर्सेस। मर्दों के अस्पताल में फीमेल नर्सेस का क्या काम है? क्या मेल नर्सेस नहीं होते? और क्या आर्मी के अंदर जो फॉरवर्ड यूनिट्स होते हैं कि जो जाते हैं मार्च के ऊपर, उनमें कोई औरत नर्स जाती है? मेल नर्सेस जाते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा नर्सिंग की जरूरत वहां होती है। किसी का बाजू उड़ गया है, किसी की टांग उड़ गई है, किसी के पेट में आकर किसी बम का टुकड़ा जो है लगा है, अंतड़ियां बाहर निकली हुई हैं, तो नर्सिंग सबसे ज्यादा वहां जरूरी है। वहां तो फीमेल नर्सेज नहीं होती, मेल होती है। सेग्रीगेशन, 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 ये आग और पानी का मिलाप दुरुस्त नहीं।